हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ डिवीज लैब स्टॉक के बारे में। स्टॉक में कल के सेशन में तो एक बड़ी गिरावट थी लगभग 10% की, लेकिन आज फॉलो ऑन गिरावट होती हुई दिख रही है। लगभग 5% स्टॉक आज भी गिर चुका है। अगर आप कल के हाई से देखोगे, कल 12 बजे से लेके तो अभी तक स्टॉक में लगभग 15% की गिरावट आ चुकी है, लगभग 700 पॉइंट्स की। कल स्टॉक अराउंड 4400 रुपीज पे भी ट्रेड कर रहा था और अभी आपको 3700 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डीवीज लैब, ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक में जो अचानक से इतनी बड़ी गिरावट आ गई? देखिए, कल के सेशन में रिजल्ट्स आए, काफी लोग ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट्स में दिक्कत थी इसलिए गिरा है। रिजल्ट्स मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिए। रिजल्ट्स हर एक पैमाने पे बहुत ही शानदार थे, तो रिजल्ट्स की तरफ से तो स्टॉक में करेक्शन आई नहीं है। लेकिन फिर क्यों आई है ये करेक्शन? कल भी मैं वीडियो बना रहा था, अराउंड 3920 पे ट्रेड कर रहा था स्टॉक, और मैंने आपसे कहा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है इस गिरावट के पीछे। फिर क्यों गिर रहा है स्टॉक? मैंने आपसे एक रिस्क लेने के लिए भी कहा कि अगर कोई बाय करना चाहता है तो 20 रुपए के एसएल से बाय करे। अगर 3900 ब्रेक होगा तो ये 3500 और 3300 तक स्टॉक जाएगा। 3900 ब्रेक हो गया, स्टॉप लॉस हो गया आप लोगों का अगर किसी ने रिस्क ली। वैसे भी मैंने कहा था कि जो रिस्क ले सकते हैं वही ले, तो 20 पॉइंट्स का लगभग आधे परसेंट का एसएल कटा आपका, लेकिन स्टॉक में आपने 200 रुपए बचा लिए। देखिए, आज 200 रुपए नीचे खड़ा है। अभी स्टॉक में चार्ट के अकॉर्डिंग और गिरावट आ सकती है। स्टॉक लगभग 3500 और 3300 तक पोजिशनली जा सकता है, ठीक है? लेकिन ऐसा हुआ क्या है जिसलिए ये स्टॉक गिर रहा है, ये क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। नेट प्रॉफिट 78% अप था, ठीक है? रेवेन्यू 41% राइज हुआ है। फिर क्यों गिरा स्टॉक? चलिए गाइस, इसी के बारे में आप सभी को बताता हूं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, समझ आए, तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। गाइस, दो तीन तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो यही कि आपको शायद जानना हो सकता है कि ये गिर क्यों रहा है। सेकंड थिंग, इन इस गिरावट में खरीदने के मौके हैं या निकलने के, या फिर जो ऑलरेडी शेयर को होल्ड कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? ये सबके क्वेश्चन होंगे, इसी पे मैं बात करूंगा, फालतू की बात नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं ये स्टॉक गिर क्यों रहा है। ये स्टॉक इसलिए गिर रहा है, इसके रिजल्ट्स तो शानदार आए, उसके बाद जो कॉन्कॉल हुई वहां पे हम सभी ने देखा कि जो कंपनी है मैनेजमेंट की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं आया। ये एक चिंता का विषय लगा मार्केट को, और इसी की वजह से गिरता हुआ। मतलब गाइडेंस मींस कि कैसी हमारी आगे चल के ग्रोथ हो सकती है और कंपनी के क्या क्या बयान आए, कुछ भी नहीं दिया गाइडेंस में, बस नंबर्स डिक्लेयर हुए उसके बाद बस शांति। तो यही एक प्रॉब्लम थी कि मार्केट अब अनुमान ही नहीं लगा पा रहा कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करेगी, मतलब कितनी ग्रोथ करेगी किस तरीके से, तो वही है करने का तरीका तो, लेकिन कितनी करेगी इसका कोई अनुमान नहीं है, जिसके चलते आपको बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन दिख गया है। अब सवाल ये उठता है कि करना क्या चाहिए, ये खरीदने के मौके हैं या फिर निकलने के? तो देखिए, पैनिक सेलिंग हो रही है, वॉल्यूम्स के साथ हो रही है, बड़ी सेलिंग हो रही है। देखिए, कल भी वॉल्यूम्स बहुत हैवी थे और आज तो कुछ ज्यादा ही हैवी होते हुए दिख रहे हैं। लगता है कोई ब्लॉक ट्रेड हुए हैं, क्योंकि अभी 9:55 हो रहे हैं और 13.5 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं और 4 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। यानी कि आप कह सकते हैं मोर देन 3 टाइम्स वॉल्यूम्स अभी तक ट्रेड हो गए हैं और मार्केट खुले हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा हैवी वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं और वॉल्यूम्स के साथ बड़ी गिरावट है, और ये गिरावट मुझे लगता है थोड़ी और डीप है। तो अभी आप फ्रेश एंट्री को तो कर दें इग्नोर, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके लिए मैं बात करना चाहता हूं, उनके लिए मैं इस स्टॉक के थोड़े से फंडामेंटल्स पे आके आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। ये स्टॉक खराब नहीं है, ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा शानदार है और आपका पैसा भी इस स्टॉक ने बहुत बड़ा बना के दिया है। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो वो अभी भी इस स्टॉक पे 4800-5000 के टारगेट्स देख रही हैं, हालांकि सबने अपने टारगेट्स थोड़े थोड़े कट करे हैं। देखिए, अब मैं स्टॉक की बात करता हूं, कोई सस्ता स्टॉक ट्रेड नहीं करता। ये वैल्यूएशन वाइज प्राइस टू बुक वैल्यू 9 टाइम्स पे ट्रेड करता है, 50 के पीई पे ट्रेड करता है, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर्स 52% के अराउंड होल्ड करते हैं, एफआई 18.45% होल्ड करते हैं, डीआईआई म्यूचुअल फंड्स 13.73% होल्ड करते हैं, एंड अदर्स 15.88% होल्ड करते हैं, ठीक है? अभी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखना इज मस्ट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 32% है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग आ रहा है, ठीक है? तो मतलब फंडामेंटल्स तो कोई ज्यादा मुझे खराब नहीं, मुझे तो बढ़िया ही दिख रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में स्टॉक की बात करूं तो 2 साल के रिटर्न्स देखूं मैं स्टॉक के तो लगभग 60% है, 5 साल के देखूं तो लगभग
577% है 10 साल के देखूं तो स्टॉक ने एक 700% का शानदार रिटर्न दिया है। अब स्टॉक की बात करें, गिर क्यों रहा है तो मैंने बता दिया, करना क्या चाहिए शॉर्ट टर्म में उसकी बात करते हैं। तो एक जो इन्वेस्टर है जिसकी पोजीशन ऑलरेडी ये स्टॉक में, मुझे लगता है ये स्टॉक आपका 3500 तक जाना चाहिए, और जिसने अभी तक नहीं बेचा मुझे लगता है वो आपको नहीं बेचना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है गाइडेंस ना आने की, ये कोई ज्यादा नहीं हो सकता है, अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में गाइडेंस आ जाए, इस बार कंपनी ने टाल दिया हो, कंपनी कुछ नया करने वाली हो तो इसके चलते हो सकता है ना दिया हो, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, तो आपको इसके हिसाब से मेरे हिसाब से इसके चक्कर में बेचना नहीं चाहिए स्टॉक। अगर आपने अभी तक नहीं बेचा है तो 200-250 पॉइंट्स की और करेक्शन हो सकती है, लगभग 4% वहां पे फिर सपोर्ट मिलेगा स्टॉक को 3500-3300 के अराउंड, वहां पे फ्रेश एंट्री भी ली जाएगी, एक्यूमुलेट भी करा जाएगा एंड स्टॉक को होल्ड करने की सलाह होगी। लगभग 4,4200 रुपए आपको स्क्रीन पे दोबारा आते हुए दिखेंगे अगले 6-9 महीने में। तो अभी तो फ्रेश एंट्री अवॉइड करें, ऑलरेडी एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिन्होंने अभी तक नहीं बेचा तो शायद अब नहीं बेचना चाहिए। तो ये मेरा व्यू है डीवीज लैब के स्टॉक पे, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।